हेलो दोस्तों नमस्कार आप लोग का एग्जाम रात चैनल में आप स्वागत है मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास नाइन्थ अयोध्या विद्यालय समिति का स्टार्ट हो चुका है और यह जो 31 अक्टूबर को लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2023 आप इसका फॉर्म अभी भर सकते हैं मुझे भी जानकारी नहीं थी मैं एक फॉर्म फिलअप करके कम्प्लीट आपको दिखाने वाला हूँ तो चलिए ऑनलाइन अप्लीकेशन एडमिशन स्टार्ट करते हैं आपको यहाँ पर आने के बाद किसी भी टेम्पलेट की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही किसी भी जहाँ से आप क्लास एट्थ तो अब भी पढ़ रहे हैं वहाँ का साइन की आवश्यकता भी वहाँ की नहीं होगी तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर, बाद यहाँ पर आपको यहाँ पे मिलेगा इस पेज का डायरेक्टली लिंक दे देंगे यहाँ पर देखिए कि कैंडिडेट कॉर्नर में आने के बाद क्लिक है टू तो रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास नाइन लिटर एंट्री एडमिशन चौबीस पच्चीस के इस लिंक पे क्लिक करना है जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर अभी मेरा क्लिक नहीं हुआ मैं दोबारा सेकेंड क्लिक कर लेता हूँ जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद न्यू पेज इस तरीके का ओपन होके आ जाएगा यहाँ पर बताया गया है कि ऑनलाइन फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है क्लास नाइन्थ का चौबीस पच्चीस का आप जो है आसानी से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और यहाँ पर किसी भी टेम्पलेट को अगेंस्ट शो नहीं किया गया है और ना ही कि टम्प्लेट पर साइन और साइन और प्रिंसिपल की साइन चाहिए और ना ही अपलोड करना है तो आपको सिर्फ क्या अपलोड करना है तो चलिए हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे यहाँ दिखा देते हैं फिर उसके बाद आपको फॉर्म फिल फिलअप करके कंप्लीट दिखाएंगे यहाँ पर एक फोटो अपलोड करना है जो कि 10 से 100 के बी के बीच होना चाहिए और यहाँ पर जो साइन अपलोड होगा कैंडिडेट की दस से सौ के बी के बीच अपलोड होना चाहिए यहाँ बताया गया है और यहाँ बताया गया है माता या पिता का जो है आपको क्या करना है साइन अपलोड करना है वो भी दस सौ से दस से सौ के बी भी के बीच आपको अपलोड कर देना है बस यही आपको अपलोड करना है ना कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है कि सेवल आप फोटो अपलोड करके फॉर्म को कंप्लीट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले हम बता दें अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आपको न्यू न्यू अपडेट आपको मिलती रहेगी तो यहाँ पर आने के बाद जिस भी स्टेट से आप रह रहे हैं आपको स्टेट लिखना है फिर इसके बाद यहाँ पर जहाँ भी कक्षा नाइन्थ जिस भी, जी भी जिला जिस भी ज़िला में क्लास आठ में आठ में आप अभी पढ़ रहे हो वो आपको ज़िला चूज करना है जो भी आपका ज़िला होगा ज़िला चूज कर लेंगे फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जिस भी ज़िला में वो आपके रेसिडेंटल आप निवासी हो आपको निवासी चूज कर लेना है फिर उसके बाद आप यहाँ पर आपको यहाँ पर यहाँ पे दोस्तों हम बता दें जैसे ही ज़िला चूज करेंगे बताया गया है आपको वही कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है जहाँ पर जहाँ का निवासी है वहीं का आप क्लास आठ अभी पढ़ रहे हो तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पे जैसा कि हमें हमने अपना ज़िला और दोनों जिला सेम है इसलिए हमने दोनों ज़िला सेम रखा है फिर उसके बाद कैंडिडेट का जो फुल नेम है फुल नेम यहाँ मेंशन करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कैंडिडेट का मोबाइल नंबर या फादर या हस्बैंड फादर या किसी का भी लिख सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए क्योंकि अवेलेबल होगा यहाँ पर ओ तो दोस्तों अभी नहीं आएगा लेकिन भविष्य में हो सकता है जब आपके एडमिशन हो जाए तब आपको आवश्यकता पड़े इसलिए आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करना है डेट ऑफ बर्थ बताया गया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा कौ 2010 से आपको बता दें 2010 से जनवरी 2010 हजार से और फिर उसके बाद आपको बताया गया है कि आपका जो डेट होना चाहिए दोस्तों हमारा डेट के बारे में जिस भी कैंडिडेट के मई 2009 से लेकर जुलाई 2000 2010 तक 2011 तक होगा वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है इसमें बताया गया है मई ध्यान रखिएगा दोस्तों मई में अगर आपका 2009 हजार सन में पैदा हुआ है बच्चा और उसके बीच से लेकर के और 2011 तक के बीच में वो भी आपका जुलाई 2011 तक रखा गया है इनके बीच अगर कैंडिडेट का बर्न हुआ है तभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है इसमें आपको क्राइटेरिया दिया गया है फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी आपको मेंशन करना है जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी फिर उसके बाद दोस्तों अगेन यहाँ पे फादर नेम यहा मदर नेम यहा में मेन्सन कर देंगे फिर उसके बाद यहाँ पे फादर नेम मेंशन कर देंगे फिर उसके बाद नेशनलिटी आपकी इंडिया ऑटोमेटिकली होगी बच्चे की बॉडी में कोई अर मार्क है तो मार्क यहाँ पे मेंशन कर देंगे फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर चूज कर लेना है जेंडर चूज कर लेंगे फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी चूज कर लेनी है कैटेगरीज भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं चाहे ओ हो चाहे ऐसी सभी कैंडिडेट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है इसलिए आप यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी है कैटेगरी चूज करेंगे यहाँ पर बताया गया है अगर आप नवोदय विल भी एक्सेप्टेड हो जाते हैं तो आपको ओ सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है तो यहाँ पर आपको अभी ओ सर्टिफिकेट नहीं जब आप एक्सेप्टेड हो जाएंगे सेलेक्ट हो जाएंगे तब ओ सर्टिफिकेट लगेगा तो इससे हम कहेंगे जो भी ओ कैंडिडेट है ओ सर्टिफिकेट बनवा लें और यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस वर्तमान डाक पता चूज कर लेंगे फिर उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी अगर आपका पास एच टी डी कोड प्लस नाइन वाला लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं और टेलीफोन आपके पास है लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो भी स्टार मार्क दिया हुआ है रेड कलर में वो फॉर्म फिलअप करना जरूरी है और बाकी सब छोड़ देंगे फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आपके बॉडी में कोई दिव्यांग है आपको यहाँ पर नन चूज कर लेना है और फिर उसके बाद दिव्यांगता के आपको यहाँ पर आपको अगर चूज करते हैं तो आपको ये सिलेक्टेड आप ओपन होने ओप हो जाएगा अगर नन चूज करेंगे तो यह ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा आपको यह चूज करने के लिए नहीं कहा जाएगा फिर उसके बाद आपकी जिस भी धर्म जो भी आपका धर्म है रिलीजन, रिलीजन है आपको रिलीजन यहाँ पर चूज कर लेना है रिलीजन चूज करने के बाद आपको यहाँ पे कच्चा आठ का विवरण फिल करना है अगर आप जिस भी आपको बता दें कक्षा आठ जैसे यूपी से पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे सिलेक्ट होगा और जिस भी जिला से आप पढ़ रहे हैं जिला ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा फिर उसके बाद यहाँ पे स्कूल का नाम मेंशन कर देना है स्कूल का नाम मेंशन करने के बाद यहाँ पे मान्यता प्राप्त है या नहीं अपने अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी रिकोगनाइज आपके होंगे आप अपने अगर मान्यता प्राप्त है तो रिकोगनाइज पे सिलेक्ट करेंगे अगर मानता नहीं प्राप्त है तो नॉट रिक्योगनाइज पे सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ बताया गया है जैसे नॉट रिकोग नॉट रिक अगर मान्यता प्राप्त स्कूल नहीं है तो आप जो है इस कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है तो आपको अगर रिकोगनाइज होना चाहिए मानता प्राप्त होना चाहिए तभी आपका फॉर्म एक्सेप्टेड होगा फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया रूरल है अर्बन है आपके अपने अकॉर्डिंग ग्रामीण या शहरी अपने चूट करेंगे अगर आपका ग्रामीण है तो रूरल चूज करेंगे और शहरी है तो अर्बन चूज कर लेंगे फिर उसके बाद यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम है अदर मीडियम है आपको यहाँ पे मीडियम आपको सेलेक्ट कर लेना है फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर अप्रैल 2023 हज़ार होगा और यहाँ पे मार्च 2024 हज़ार चौबीस से होगा आपको इसमें बदलाव नहीं कर सकते और फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है स्क्रॉल डाउन करने के बाद जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पे फोटो अपलोड करना है आपको 10 से 100 के बी भी के बीच आपको ब्राउज पे क्लिक करके अब जहाँ पे फोटो रखे हैं फोटो सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पर साइन सेलेक्ट कर लेना है कैंडिडेट का और यहाँ पर आपको कैंडिडेट के माता या पिता का सिग्नेचर अपलोड कर लेना है जैसे ही यहाँ पर आप सेव एंड प्रिव्यू पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए जैसे हम सेव पे क्लिक करते हैं इस तरीके का पेज ओपन हो जाता है और हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं यहाँ पे देखिए स्क्रॉल डाउन करेंगे फिर उसके बाद अगर आपको डिटेल में कुछ गलती लगती है तो एडिट पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं अगर सब कुछ सही लगता है तो आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलता है फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे आपको यहाँ पे अप्लीकेशन नंबर मिल जाता है इस अप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन करके रख लेना है क्योंकि जब भी एडमिट कार्ड आएगा तो आप इसी के थ्रू आप निकाल सकते हैं तो आप लोग तो को यह मैं कहूँगा क्लास नाइन्थ का नवोदय का फॉर्म जो है इक्कीस दस दो हज़ार तेईस तक है अगर जो भी कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप करना चाहता है वो फॉर्म फिलअप कर सकता है ओके थैंक यू दोस्तों बाय